जो मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो एक यतीम खाने पर बनाया गया था, वफ के यतीम खाने पर बनाया गया था। 21 लोग बोलते कि उसकी बिल्डिंग की कीमत करीब 2000 करोड़ के 1500 करोड़ की है। तो मोदी उसके बेटे की शादी में गए थे तो मोदी बोले मैं शादी में गया तो दूल्हे के बाप को तोहफा देना है, यह कानून लेकर आऊंगा। नरेंद्र मोदी, आपको इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है? आपको मस्जिदों से, खानकाहों से नफरत क्यों है? तभी तो आप इस तरह का गलत बिल पार्लियामेंट में लाए हैं। अरे वक्त नरेंद्र मोदी, मुंबई में जो मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो एक यतीम खाने पर बनाया गया था, वफ के यतीम खाने पर बनाया गया था। 21 करोड़ रुपए देकर उसने खरीद लिया और आज लोग बोलते कि उसकी बिल्डिंग की कीमत करीब 2000 करोड़ के 1500 करोड़ की है। तो मोदी उसके बेटे की शादी में गए थे तो मोदी बोले मैं शादी में गया तो दूल्हे के बाप को तोहफा देना है, यह कानून लेकर आऊंगा। जायदादें छीनने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह का गलत कानून ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी, आपको इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है? आपको मस्जिदों से, खानकाहों से नफरत क्यों है? तभी तो आप इस तरह का गलत बिल पार्लियामेंट में लाए हैं। अरे वक्फ बोर्ड को ताकत दो, तो जो खाबिज लोग हैं उनको निकालने का पावर दो, समर एविक्शन पावर्स। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के कमिश्नर के पास पावर है कि किसी भी प्रॉपर्टी को काबिज को निकाल कर फेंक सकते हैं। किराया बढ़ाने का पावर दो, मगर मोदी नहीं देना चाहती हैं। मेरे भाई, होशियार और चौकन्ना रहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर आपसे कहेगा, हमसे कहेगा कि इस बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है, तो क्या आप पुरमन एहतजाज के लिए तैयार हैं? आप एहतजाज के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए कि आप एहतजाज के लिए तैयार हैं, और नारा लगाइए मेरे साथ, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि तुम्हारे इस बिल को हम रिजेक्ट करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों।